करेंगे। जोरदार तालियों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, नड्डा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, भारत माता की। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा मंच पर अपना यथोचित स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा और हमारे वॉलंटियर से आग्रह करूंगा, अतिथियों को सत्सम्मान यथोचित स्थान पर बैठाने की व्यवस्था करें। जैसा आपको पता है, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की दो परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो रही है। इसमें से एक 12 तारीख को मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से प्रारंभ हुई है और आज दूसरा जसपुर की पावन धरा पर खुड़िया महारानी और भगवान बालाजी के आशीर्वाद से प्रारंभ हो रही है, जिसको हरी झंडी दिखाकर जगत प्रकाश नड्डा जी शुरुआत करेंगे। मैं इसके पहले श्री रणविजय सिंह जुदेव जी से, श्री गणेश राम भगत जी से, श्री विष्णुदेव साई जी से अनुरोध करूंगा कि आकर मां खुड़िया रानी के आशीर्वाद स्वरूप नारियल और भारतीय जनता पार्टी का झंडा आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को देंगे, जो वो आज के रथी श्री नारायण चंदेल जी को देकर इसको आगे बढ़ाएंगे। बोलिए, खुड़िया महारानी की, खुड़िया महारानी की, खुड़िया महारानी की। बोलिए, भगवान बालाजी महाराज की, भगवान बालाजी महाराज की। यह परिवर्तन यात्रा जसपुर की पावन धरा से प्रारंभ हो रही है, जिसके रथी हैं हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी, जो कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग विधानसभाओं से प्रारंभ होगी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी से आग्रह करता हूं कि माल्यार्पण करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी और जिला के सभी पदाधिकारी आपसे अनुरोध आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं रायगढ़ जसपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्रीमती गोमती साई जी को आज के इस परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने के लिए। आदरणीय श्री गोमती साई जी, आपसे अनुरोध है आज के इस परिवर्तन यात्रा को उद्घाटन भाषण के रूप में संबोधित करेंगे। भारत माता की,
भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। आज जशपुर वासी बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़ा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जशपुर में और कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के कर्म भूमि में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित हम राष्ट्र प्रदेश के प्रभारी आदरणीय माथुर जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव जी, आदरणीय सह प्रभारी नितिन नवीन जी, उपस्थित सभी मंचस्थ राज परिवार से सभी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको भी स्वागत और आभार करती हूँ। यहाँ पर आप मान जशपुर के कोने कोने से राउर मनाई यहाँ आप मल्ला भी मैं बहुत बहुत स्वागत और वंदन और अभिनंदन करो थू। साथी मान दिलीप सिंह जुदेव जी का ये कर्म भूमि उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए नक्शे कदम पे जशपुर वासी हमेशा चलने वाले जशपुर वासी यहां पर उपस्थित हैं। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा मां खुड़िया रानी का आशीर्वाद लेकर के जशपुर की धरती से निकलेगी और निश्चित है ये छत्तीसगढ़ की निकम्मी कांग्रेस सरकार को बदलने का ये संकल्प लेके जा रहे हैं और इस बार हम लोग अपना वादा करते हैं कि जशपुर के तीनों सीट को हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना करके। ये जशपुर वासियों का प्राण है माननीय, ये जशपुर कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के ऊर्जावान धरती है, इस धरती से शंखनाद अगर उठती है तो पूरा छत्तीसगढ़ में यहाँ का लहर फैलता है, ये मैं आप लोगों को दावे के साथ कहती हूँ। और मेरे साथियों, आज एक बार जोरदार मैं आप लोगों को आह्वान करती हूँ कि दोनों हाथ उठा करके तीनों सीट को हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना करके देंगे, ये विजय संकल्प लेकर के हम लोगों को विश्वास दिलाना है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके एक बार विश्वास दिलाना है, भारत माता की, भारत माता की। मैं पुनः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जशपुर की धरती में फिर से मैं अभिनंदन और स्वागत वंदन करती हूँ। और राउर मन कोने कोने से आई यहाँ ओकर कजघलुक में आप मल्ला स्वागत अभिनंदन करते हुए विजय संकल्प के लेकर के आज आप लोगों को मैं धन्यवाद और करती हूँ, आभार करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसी शब्द के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं इस मंच को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं इस रथ यात्रा के रथी आदरणीय श्री नारायण चंदेल जी को, सभा को परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने हेतु। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जशपुर की इस पावन भूमि से आज परिवर्तन यात्रा का शंखनाद करने के लिए, परिवर्तन यात्रा का आगाज करने के लिए हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी उपस्थित हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और इस महती जनसभा में पूरे अंचल से आए भाई और बहनों, नौजवान मित्रों, हम सब लोग स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह जशपुर की भूमि से
2003 में परिवर्तन का आगाज हुआ था, परिवर्तन यात्रा निकली थी और आज फिर से परिवर्तन यात्रा इस जसपुर की भूमि से प्रारंभ हो रही है। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का इन शब्दों के साथ में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपके आने से नीम भी बन गया चंदन है और जसपुर की पावन माटी पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। आज एक विशेष अवसर है, छत्तीसगढ़ में दूसरी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। जसपुर के जो परंपरागत सांस्कृतिक व्यवहार है, हमारे पहाड़ी कोरवा बंधु सियाराम पहाड़ी कोरवा हैं और नट्टूराम पहाड़ी कोरवा समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जसपुर की पावन धरा पर पहाड़ी कोरवा समुदाय की ओर से अपने पारंपरिक धनुष और बाण से स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आप मंच में सामने रहेंगे और हमारे पहाड़ी कोरवा बंधु आपको जसपुर की परंपरा पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति अपने परंपरागत धनुष और तीर साहब का स्वागत करना चाह रहे हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। आइए, जसपुर के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी साथ में हैं, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, मंच पर उनका स्वागत है। अब आज के इस परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करते हुए गौरवान्वित हो रहा हूं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहू जी को, आप सादर मंच पर आमंत्रित हैं इस परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने के लिए। भारत माता की छत्तीसगढ़ महतारी की कुमार दिलीप सिंह जुदेव अमर रहे भारत माता की। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, औ ना साहिबो। आज मां भुवनेश्वरी देवी भगवान बालाजी के ये पुण्य भूमि ला मैं प्रणाम करा था, अघोरेश्वर भगवान राम ला प्रणाम करा था, ये बाला साहब देश पांडे जी के कर्म भूमि, ये कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के जन्म भूमि, जगदेव राम उराव जी के ये कर्म भूमि, इमला नमन कराता हूं, अभिनंदन कराता हूं, प्रणाम कराता हूं, आप सब झल्ला राम राम जय जोहार कराता हूं। आज हम सब के लिए ये गौरव के बात है, हम सबके लिए खुशी के बात है कि आज हमर बीच में दुनिया के सबले बड़े राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आगमन हुए। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। मंच में विराजमान हमर जम्मू पार्टी के बड़े बड़े नेता मन और अत्यंत बड़े संख्या में उपस्थित जम्मू
भाई बहनी मन, संगवारी मन, सियान मन, आज भारतीय जनता पार्टी के दूसरा परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के हाथों में होना है। आज माता खुड़िया रानी से आशीर्वाद लेके, भगवान बालाजी के आशीर्वाद लेके ये यात्रा के शुभारंभ हुआ थे। पहली यात्रा के शुरुआत 12 तारीख के मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेके दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुए है। आज वो यात्रा के चौथा दिन है, लेकिन परिवर्तन के हवा अतका तेज बहत है। परिवर्तन के हवा तूफान में बदल गए है और पानी बरसात के बावजूद, पानी बरसात के बावजूद हमारी यात्रा में बड़ा संख्या में सब जनता जुड़ा थे, ये बतावा थे कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होने वाला है। अब ये पाए के आज का ये दूसरा परिवर्तन यात्रा ओला शुरुआत करे बर हमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। भाई भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 4.5 साल में भूपेश बघेल की सरकार चली है, इस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम, हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है। इस सरकार ने केवल और केवल लूट मचा के रखी है, लूट कोयला में, लूट शराब में, लूट चावल में, लूट डीएमएफ में घोटाला, गौठान में घोटाला। आओ तो आओ ये भूपेश बघेल के सरकार गोबर ला भी नहीं छोड़ी, गोबर में भी घोटाला करे के काम ये भूपेश बघेल के सरकार करे। अब आज जब छत्तीसगढ़ के सब जनता आज भूपेश बघेल के सरकार से परेशान है, हर वर्ग ला ठगे के काम, और सबले बड़े बात तो ये है कि आज छत्तीसगढ़ के नौजवान के नौकरी के पदला भी बेचे के काम ये भूपेश बघेल के सरकार करे है। छत्तीसगढ़ के पीएससी के पद, व्यापम के पद, सब बदला पैसा मां बेचे के काम और अपन अधिकारी अपन नेता मल्ला बांटे के काम करत है। गांव गरीब किसान आज परेशान है। अब ये पाके आज ये परिवर्तन के आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी ये छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है, लेकिन आज इस छत्तीसगढ़ को 4.5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए इस छत्तीसगढ़ को आज बचाने की आवश्यकता है और छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से छुटकारा और मुक्ति चाहती है। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का आगाज करें, परिवर्तन यात्रा को सफल बनाए, इतना ही निवेदन अब आग्रह आपसे करता हूँ। आइए अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए, खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए परिवर्तन में हम सहभागी बने, ऐसा निवेदन करते हुए आप सभी को धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है, सुबह से सारे जसपुरवासी भरी बरसात में जिसका इंतजार कर रहे थे, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय यशस्वी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके थे और उनका उद्बोधन के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से अपने स्थान में खड़े होकर जोरदार तालियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे।
नड्डा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नड्डा जी जिंदाबाद, नड्डा जी आप संघर्ष करो, छत्तीसगढ़ आपके साथ है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के इस परिवर्तन यात्रा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष सम्माननीय श्री अरुण साहू जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन सरोज पांडे जी, हमारे यहां के इस चुनाव के प्रभारी सम्माननीय ओम माथुर जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री नारायण चंदेल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन लसा उसेंडी जी, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन जी, भारत सरकार में मंत्री रेणुका जी, यहां के लोकप्रिय सांसद बहन गोमती साय जी, हमारे यहां उपस्थित पूर्व में रहे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और यहां जसपुर में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, माताएं बहनें और मेरे जुझारू नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो जब मैं जसपुर में आया हूं और आने पर बालाजी भगवान के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और मैंने वहां प्रार्थना की बालाजी भगवान के सामने कि हम सब लोग जिस समाज की भलाई के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो आज ये परिवर्तन यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, उसको बालाजी भगवान का आशीर्वाद मिले और हम सफल हों ताकि छत्तीसगढ़ विकास की ओर ठीक ढंग से आगे बढ़े। इसलिए पुनः बालाजी माता को, बालाजी भगवान को नमन करते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जब मैं जसपुर में आया हूं तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने दिलीप सिंह जुदेव जी के बारे में चर्चा की। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी महान नेता तो थे ही, महान आत्मा तो थे ही, लेकिन वो महान समाज सुधारक भी थे और प्रदेश को आगे ले जाने वाले नेता। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ काम करने का। वो हमारे लोकसभा के भी सदस्य रहे, राज्यसभा के भी सदस्य रहे। हम सब लोग जानते हैं कि यहां बहुत से लोग जय जुदेव के नाम से उनका अभिवादन करते थे। वो सिर्फ नेता नहीं थे, वो देश को एकता के माला में पिरोने वाले, हमारे नेतृत्व करने वाले नेता थे। इसको भी हमको समझना चाहिए। घर वापसी, धर्मांतरण के खिलाफ, समाज को एकत्र करना, इकट्ठा करना, राजनीतिक मुद्दों पर पूरी ताकत से जवाब देना और राजनीतिक मुद्दों पर जवाब देते देते अपने अस्तित्व को दांव में लगा देने वाले, ऐसे देखे तो दिलीप सिंह जुदेव देखे। मुझे आज भी याद है 2003 में मैं प्रदेश में, अपने प्रदेश में मंत्री था और मुझे यहां चुनाव में भेजा गया था
मुझे उस समय का दिलीप सिंह जुदेव जी का भाषण याद है जब उन्होंने कहा था कि ये भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को नस्तोनाबूद कर दो, इसको जड़ से उखाड़ दो और मैं अपनी मूछ को दांव पर लगाता हूं, ऐसे दिलीप सिंह जुदेव। आज इस पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है और हम यहां से परिवर्तन यात्रा की प्रारंभ कर रहे हैं। वो जहां भी होंगे उनकी एक ही तमन्ना होगी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे और परिवर्तन यात्रा सफल हो, यही उनकी आत्मा चाहती है। बोलिए, जुदेव जी की कहे हुए बातों को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं स्टेडियम के पीछे से सुनना चाहता हूं, करेंगे कि नहीं करेंगे? मित्रों, उन्होंने अपना सारा जीवन सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, नैतिकता के लिए, धर्म के लिए उन्होंने सारा जीवन लगा दिया और आज जब ऐसे पवित्र भूमि से मुझे परिवर्तन यात्रा का प्रारंभ करने का सौभाग्य मिल रहा है तो उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम संकल्प लेते हैं कि यह परिवर्तन यात्रा सफल होगी। इसके लिए हर कुछ करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे, इस बात का हमको विश्वास लेना चाहिए। मित्रों, जब हम बात करते हैं, अभी यहां पर भूपेश बघेल की बात हो रही थी, बोलिए कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया, छलाया कि नहीं छलाया, आपको गुमराह किया कि नहीं किया? उन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो की बातें पूरी की है क्या? पूरी की है क्या? जो कह के आए थे उसके विपरीत काम किया कि नहीं किया? मित्रों, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आज यहां पूछने आया हूं माताओं से, बताओ 500 रुपए प्रति माह माताओं को मिल गया क्या? मिल गया क्या? मिला क्या बहने? मैं जानना चाहता हूं कि जो ये कहा गया था कि गरीब माताओं को, बहनों को 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर मिलेगा, मिल गया क्या? मिल गया क्या? मित्रों, मैं अपने आदिवासी भाई, जनजाति भाई, किसान भाई, उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भूपेश बघेल ने कहा था कि भूमिहीन लोगों को हम जमीन देंगे, उनको जमीन मिल गई क्या? जमीन मिल गई क्या? मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भूपेश बघेल के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। खाने के लिए भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए माताओं को प्रति माह 500 रुपए दूंगा, भूमिहीन लोगों को जमीन दूंगा, नौजवानों को भत्ता दूंगा। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिल गया क्या? मिल गया मेरे नौजवान भाई? मिला क्या पिछले 5 साल में? ये है जिस तरीके से भूपेश बघेल ने सरकार पिछले 5 साल में चलाई है। और ये परिवर्तन यात्रा क्यों है? ये परिवर्तन यात्रा इसलिए है कि पहले भी हमने आपकी सेवा की है, आगे भी आपकी सेवा करेंगे और हम वायदा करते हैं कि गरीब कल्याण में जो मोदी जी ने काम चलाया है उसको भी फिर से छत्तीसगढ़ की धरती पर उतारेंगे और गरीबों का कल्याण करेंगे, किसानों का सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं को आगे बढ़ाने वाला काम करेंगे
और छत्तीसगढ़ के इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भूपेश बघेल और उसकी सरकार का भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ की जनता के सामने लाएंगे और उस सरकार को, उस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम छत्तीसगढ़ की जनता करे, इस बात के लिए परिवर्तन यात्रा चलाएंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि 12 तारीख को दंतेश्वरी माताजी का आशीर्वाद लेकर के दंतेवाड़ा से एक यात्रा चली है जो 45 विधानसभा से होकर के आएगी, और उसी तरीके से आज जो ये यात्रा शुरू हो रही है यह भी 40 विधानसभाओं से होकर बिलासपुर पहुंचेगी और वहां पर दोनों यात्राएं मिलेंगी, जन जन के बीच में संदेश देगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको आशीर्वचन और मार्गदर्शन वहां बिलासपुर में मिलेगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ये परिवर्तन यात्रा इस तरीके से आगे बढ़ेगी। मित्रों, मैं यहां आपको ये भी बताना चाहता हूं, आज देखिए, आप बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में देश की इज्जत दुनिया में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आपने अभी देखा ये G20, ये G20 का सम्मेलन आपने देखा? देखा आपने? टेलीविजन पर देखा? ये बताता है कि आज भारत पिछलग्गू नहीं है, आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को संदेश दे रहा है और दुनिया को आगे बढ़ाने के काम में अपना योगदान कर रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से दुनिया के 20-21 शीर्ष नेता आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर जाकर एक साथ नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं। ये आज भारत की ताकत बनी है, ये हमको समझना चाहिए कि दुनिया अब हमको कैसे देख रही है। बहुत सम्मेलन होते हैं, G7, G20, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कार्यक्रम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ये कभी कभी होता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बारे में सफल हुए कि 20 देश के अलग अलग विचार हो सकते हैं, 20 देश के अलग अलग सोच हो सकती है, 20 देशों का अलग अलग एक दूसरे देशों को देखने का नजरिया हो सकता है, 20 देश का भारत के प्रति भी देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी के बताए रास्ते को मानते हुए दिल्ली का डिक्लेरेशन करते हैं और दिल्ली में सहमति लाते हैं। यह पहली बार होता है, यह हमको देखना चाहिए। यह दिल्ली में दिल्ली डिक्लेरेशन, ये G20 का एक बहुत ही, पहली बार नहीं, पहले भी हुए हैं, लेकिन एक जिस तरीके की स्थिति दुनिया में पैदा हुई है उसमें ये एक बहुत ही नायाब कामयाबी मिली है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, कभी आपने सोचा था कि हमारा चंद्रयान पहली बार दुनिया में साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव में पहला सैटेलाइट उतरेगा तो वो भारत का उतरेगा, इसको भी सफल किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और साइंटिस्टों के कर्तव्यों ने, उनका जिसको कहते हैं उनका योगदान, जो साइंटिस्ट हमारे दिन रात लगे रहे और जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रोत्साहन मिलता रहा, आज उस कारण से चंद्रयान का हमारा कार्यक्रम दक्षिणी ध्रुव पर सफल हुआ है, वह भी आप सब लोगों ने देखा है। मित्रों, मैं यहां एक बात और आपको बताना चाहता हूं, और वो यह बताना चाहता हूं कि अगर हम देखें तो दुनिया में आज आर्थिक मंदी है, कोरोना की लड़ाई के कारण, सॉरी, यूक्रेन की लड़ाई के कारण और कोरोना के आपदा के कारण दुनिया में आर्थिक मंदी आई है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इस आर्थिक मंदी में भी
अगर सबसे तीव्र गति से कोई आर्थिक दृष्टि से बढ़ता हुआ देश है तो वो भारत देश है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। पिछले दो सालों में हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से आज हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, और अब वो दिन दूर नहीं है 2024 के बाद हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, उस ओर हमारे कदम चले। आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, 9 साल पहले 2014 में आपके पास जो मोबाइल होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। 92% मोबाइल चाइना में बनते थे और हम भारतीय इस्तेमाल करते थे। आज 97% मोबाइल आज भारत में बन रहे हैं और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है, ये बदलता भारत है। आपको जानकर खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल में, ये गाड़ियां बनाने में दुनिया के जापान को पछाड़कर हम तीसरे नंबर की मार्केट बन गए हैं, ये भारत बढ़ता भारत है। इस्पात में, स्टील में हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। इसलिए आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, यह भी हम सबको ध्यान में है। लेकिन यही नहीं है, मैं जब जसपुर आया हूं तो मुझे खुशी है कि आपके साथ मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सब की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, अब वो मिडिल इनकम ग्रुप में आ गए हैं। कितने लोग? 13.5 करोड़ लोग। 22% की गरीबी से हम 10% पर आ गए हैं, और आपको जानकर के और खुशी होगी कि भारत में अति गरीबी अब 1% से भी कम है, 1% से भी कम है। और ये क्यों हुआ है? इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसको प्रारंभ किया, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम लोगों ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देने का निश्चय किया, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसकी व्यवस्था की। इसलिए आज अति गरीबी घट गई है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, तो आज 11.78 करोड़ किसानों को हर चौथे महीने 2000 और साल का 6000 देने का निर्णय किया है। आज किसान को किसी साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं है कि वो साहूकार के पास जाए और पैसे मांगे और तब जाकर के अपना यूरिया खरीदे, तब जाकर के अपने बीज खरीदे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी 11.78 करोड़ किसान के खाते में 2000 रुपए हर चौथे महीने पहुंचा देते हैं, उसके बैंक के खाते में डाल देते हैं। यह है अंतर। आज जल जीवन मिशन में 9.82 करोड़ यानी 10 करोड़ लोगों तक हम हर घर नल पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 26.5 लाख हमारे हर घर जल की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां 4 करोड़ घर बन रहे हैं, नोट करना मेरी बात को, 4 करोड़ घर बन रहे हैं, वहीं इसी के लिए 14,80,000 घर छत्तीसगढ़ में बनने के लिए सैंक्शन दिया गया है। लेकिन दुख के साथ बोलना पड़ता है, मैं परिवर्तन यात्रा क्यों बोलता हूं कि परिवर्तन करो,
इसलिए कि 14,80,000 में से भूपेश बघेल ने 12,00,000 लोगों को उनके कागजात दिल्ली पहुंचने से रोक दिया है और 12,00,000 लोग आवास से वंचित हो गए हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। बोलिए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मित्रों, जो 12,00,000 गरीब लोगों का घर की व्यवस्था जो मोदी जी देना चाहते हैं, जिसके लिए पैसे सैंक्शन कर दिए हैं, और संख्या कितनी है? 12,00,000। और वो 12,00,000 के कागजात भूपेश बघेल दिल्ली नहीं पहुंचाता, इनको परमिशन नहीं देता। और मुझे जानकर के और भी दुख हुआ कि एक परिवार के 5 लोग कच्चे मकान में, वो मकान गिर गया और वो दब गए, और जो दबे वो परिवार वो था जो प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रतीक्षा सूची में जिसका नाम था, और भूपेश बघेल ने उन तक उनके उसको सैंक्शन देने से इनकार किया। बोलिए, ऐसी सरकार को रहने देने का अधिकार है? रहेगी क्या ऐसी सरकार? परिवर्तन करेंगे ना? परिवर्तन होना चाहिए ना? मित्रों, अगर हम स्वच्छ भारत की बात करें, मुझे याद है ये जो नेशनल हाईवे है 43, हम लोग जब शाम को गाड़ियों से जाया करते थे तो हमारी महिलाएं झुंड की झुंड सड़कों पर लोटा लेकर अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए निकला करती थी। बोलिए, ये तस्वीर होती थी कि नहीं होती थी? होती थी कि नहीं होती थी? किसी ने महिलाओं की इज्जत की चिंता नहीं की? किसी को ये नहीं लगा कि इनके बारे में सोचना चाहिए? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम महिलाओं को इज्जत घर देंगे और स्वच्छता के दृष्टि से काम करेंगे। आज मुझे खुशी है कि 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर देकर उनके इज्जत की रक्षा की है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। ये महिला सशक्तिकरण हुआ है। और आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा और संतोष भी होगा कि छत्तीसगढ़ में 34,50,000 इज्जत घर बने हैं। इसका मतलब 34,50,000 बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करते थे। और वही नहीं, उनके साथ उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी इसी तरीके का जीवन जीने के लिए मोहताज हो गए थे। अरे, सही मायने में महिलाओं को इज्जत देकर आजादी किसी ने दी तो वह नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के तहत दी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आयुष्मान भारत, 10,74,00,000 परिवार और उसमें से लगभग 36,00,000 परिवार हमारे छत्तीसगढ़ के, 36,00,000 परिवार, 10,74,00,000 परिवार, उनको 5,00,000 रुपए का सालाना हेल्थ कवर, गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए, इलाज के लिए पैसे देने की व्यवस्था, 5,00,000 रुपए हर साल देने की व्यवस्था की है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। यहां बैठे हैं सब लोग, ये सब कोई ना कोई एमपी हैं, एमएलए हैं या रहे हैं। इनसे पूछिए, आज से 10 साल पहले क्या होता था? ये अर्जियां लेकर के जाते थे और कहते थे, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये गरीब आदमी है, इसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, इसको वेल्व लगना है, इसका बाईपास होना है, इसकी किडनी बदलनी है, इसको हर्निया का ऑपरेशन होना है, इसको कैंसर का इलाज करना है, 1,50,000 रुपए दे दो, 2,00,000 रुपए दे दो, 3,00,000 रुपए दे दो। बोलिए, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और मुख्यमंत्री तय करते थे, चलो 1,50,000 मांगा है, 1,00,000 दे देते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,74,00,000 परिवार, 54 करोड़ लोग, देश की 40% की आबादी को हर साल 5,00,000 रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इंतजाम किया है। आयुष्मान भारत में यह समझना चाहिए।
बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है, बोलो ये देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, बोलो गरीबों का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ। मित्रों अगर मैं विकास के बारे में कहूं, छत्तीसगढ़ ने जो भी विकास देखा है, आप बोलिए नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपके यहां 5 नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आप बताइए रायपुर से धनबाद तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप बताइए धनबाद से रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रायपुर की दृष्टि से आप बताइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर को छत्तीसगढ़ को दिया गया कि नहीं दिया गया, आप बताइए मेडिकल कॉलेजेस दिए गए कि नहीं दिए गए, आप बताइए अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज खुला कि नहीं खुला, क्या विकास के काम हुए हैं, रेल में, रोड में, नेशनल हाईवे, एलिवेटेड रोड, कॉरिडोर, हर दृष्टि से विकास के काम हुए हैं। लेकिन मैं यहां पर यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जब हम विकास के दृष्टि से आगे बढ़े हैं तो वही हम यह भी देखते हैं कि आदिवासी भाई, हमारे जनजाति भाई, उनके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष ध्यान देने का काम किया है। अगर हम 15 अगस्त को जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं तो मुझे यह भी खुशी है कि भारत के पहला राष्ट्रपति महिला बनाने का काम द्रौपदी मुर्मू को किया, तो वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने किया। अगर हम जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं तो मुझे खुशी है कि आज देश में 27 सेंटर्स फॉर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज बजट का एलोकेशन हमारे जनजाति भाई के लिए तिगुना बढ़ा दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया है। आज मुझे खुशी है कि हमारे शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जो कंपोनेंट फंड है, जो सिर्फ ट्राइबल के भाइयों पर खर्च होना है, वो 5 गुना बढ़ा दिया गया है। और उसी तरीके से एकलव्य स्कूलों पर 22 गुना बढ़ा दिया गया है। आप बताइए जनजाति भाइयों के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कितनी कोशिश की गई है, और 5 गुना, 3 गुना, 22 गुना ये उनका फंड, उनका बजट बढ़ाने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जहां हम चरण पादुका के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे और ट्राइबल भाइयों को चरण पादुका देने का काम कर रहे थे, उसको भूपेश बघेल ने रोक दिया कि नहीं रोक दिया, रोका कि नहीं रोका, रोका कि नहीं रोका। ये एंटी ट्राइबल काम करने का काम ये करते हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, आजकल सनातन धर्म पर बहुत चर्चा हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है। 1 तारीख को मुंबई में ये इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, INDI अलायंस, इंडी अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस मुंबई में 1 सितंबर को बैठक करता है और 3 सितंबर को इनके मजबूत घटक में, मजबूत पार्टनर DMK स्टालिन, जो वहां का मुख्यमंत्री है, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो सनातन धर्म को गंभीर बीमारियों के साथ जोड़ करके देख करके उसका निरादर करता है। वह हर तरीके से सनातन धर्म का निरादर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और उसी के बाद दूसरे दिन 4 सितंबर को हमारे खड़गे साहब के बेटे प्रियांक खड़गे, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, वह दोबारा सनातन धर्म पर आक्षेप करते हैं। और उसके बाद तमिलनाडु का एक मंत्री दोबारा आक्षेप करता है। मैं क्या समझूं इसको, आज दिन तक सोनिया गांधी चुप है, आज दिन तक राहुल दुनिया भर में जाकर के संविधान की बातें करते हैं लेकिन एक शब्द भी इस पर कहने से बचते हैं। मैं क्या मानूं, मेरा आरोप है कि मां बेटा दोनों
सनातन धर्म को गाली देने का और सनातन धर्म का निरादर करने का जो मुंबई बैठक का एजेंडा था उसको पूरा करने का काम डीएमके और अन्य पार्टियों को सौंपा गया है। और ये असल में एजेंडा माता सोनिया और बेटा राहुल का है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। दुनिया जहान में आप संविधान के बारे में चर्चा करते हो जाकर कि भारत में संविधान की रक्षा नहीं हो रही है। क्या संविधान में लिखा है कि किसी धर्म को, किसी विचार को, किसी आस्था को गाली दी जाए? क्या संविधान ने यह अधिकार दिया है कि तुम किसी धर्म को निरादर करो? कौन से संविधान के किस प्रावधान में लिखा है? और तुम संविधान की दुहाई देने लगे हो और तुम कहते हो कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। अरे तुम्हारे मोहब्बत की दुकान में ये नफरत का सामान बिकता है, इसको तुमको समझना होगा। और ये तुम्हारे कारण से होता है। आप बताइए, क्या भारत की जनता सनातन पर आक्षेप सहेगी? क्या भारत की जनता सनातन पर आक्षेप सहेगी? मित्रों, क्या हुआ है? और चुप है कांग्रेस पार्टी, चुप है, बोलने की हिम्मत नहीं है, बोलती बंद है, जुबान पर ताला लग गया है। और ये सेक्युलर बनते हैं, ये संविधान के रक्षक बनते हैं, ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले हैं और नफरत का सामान बेचते हैं। मित्रों, जनता में परिवर्तन यात्रा में यह भी समझाना है। और मुझे पूछना है भूपेश बघेल से, तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या कहना है इस विषय पर, सनातन धर्म पर तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम कांग्रेस पार्टी जिस विचार को लेकर के आगे चलिए उसके साथ सहमत हो? ये मुद्दे हैं जिस पर हमें उत्तर चाहिए। अभी G20 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हमारे जो आदिवासी है, महिला है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया। आपको बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि आपके मुख्यमंत्री उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। क्या यही जनजाति हमारे संबंध रखने वाले राष्ट्रपति के प्रति इज्जत है? भूपेश बघेल जवाब दे, क्या तुम्हारी इज्जत भारत के राष्ट्रपति से ज्यादा है? क्या तुम्हारी इज्जत G20 के सम्मेलन के दिए गए राष्ट्रपति के भोज में जाना तुम्हारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्य नहीं था? तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। खड़गे साहब लाल किला में झंडोत्तोलन के समय वहां उपस्थित नहीं होते हैं। भूपेश बघेल राष्ट्रपति के भोज में उपस्थित नहीं होते हैं। ये ऐसे लोग जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं। परिवर्तन चाहिए, ऐसे लोगों को परिवर्तन करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? मित्रों, एक बात याद रखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। अब भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं। आप बताइए, अभी अभी हमारे अरुण साहू जी, अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। ये बताइए, शराब का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? कितने का हुआ? 2161 करोड़ रुपए का। आप बताइए, चावल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? चावल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कोल स्कैम, कोयला का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? यूरिया का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? गरीब कल्याण अन्न योजना का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? गोठान का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? गोबर का घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे भैया, जिसने गौ माता नहीं छोड़ी, जिसने गौ माता को नहीं छोड़ा, वो आपको छोड़ेंगे क्या? वो आपको छोड़ेंगे क्या? आप बताइए, एक मुख्यमंत्री सीडी कांड में बेल पर, उसका निजी सचिव और ओएसडी जेल में, खुद बेल पर और सचिव जेल में, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को रहने देना है क्या? मित्रों, एक ही बात मैं कहने आया हूं, अगर आप चाहते हैं कि दिलीप सिंह जुदेव जी के बताए रास्ते पर चलना है
तो रास्ता एक ही है कि कांग्रेस को उखाड़ फेंको और कमल के निशान को आगे बढ़ा करके चल पड़ो। एक ही संदेश है, परिवर्तन परिवर्तन और परिवर्तन। एक ही संदेश है कि मोदी जी के कार्य को ताकत दो और उसको धरती पर उतारने के लिए भूपेश बघेल की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंको और यहां कमल खिला दो, यही उसका रास्ता है। मित्रों, आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ, आप सब लोग इतनी बरसात में, इतनी मुसीबत में आप सब लोग आए और डटे रहे, टिके रहे। आंधी हो या तूफान, आप नहीं हिले, आप नहीं डिगे, ये बताता है कि आपने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सबले बढ़िया, सबले बढ़िया, सबले बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद।